शोध में 35 साल का लंबा अनुभव रखने वाले के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई एकेडमिक संस्थाओं के बोर्ड पे भी हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सारस्वत नारायण जी को। श्री प्रकाश नयन कावरे नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे दूसरे अतिथि। वो चीनी सहकारिता क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव रखते हैं और इस क्षेत्र में काम करने वाले सबसे अनुभवी प्रोफेशनल्स में शुमार होते हैं। NFCSF देश के सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की सर्वोच्च संस्था है। साथ ही अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर DN ठाकुर को दोबारा से, प्रेसिडेंट सहकारी भारती। डॉक्टर DN ठाकुर सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सहकारिता और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में लंबा अनुभव रखने वाले डॉक्टर ठाकुर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहने के साथ ही कृषि और सहकारिता मंत्रालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाते रहे हैं। साथ ही इनके साथ ही मैं और भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर विश्वजीत धर, प्रोफेसर JNU। प्रोफेसर विश्वजीत धर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के स्कूल ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर हैं। वो इंटरनेशनल ट्रेड मामलों में बड़े एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही डॉक्टर धर रूरल वायर्स के एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। और साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगी राम इकबाल सिंह जी को, जो वर्किंग चेयरमैन नेकाफ के हैं। श्री राम इकबाल सिंह सहकारिता क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने के साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नेकाफ के संस्थापक और वर्किंग चेयरमैन हैं। नेकाफ सरकार के लिए किसानों में देश भर में फसलों की खरीद करने के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण में उस क्षेत्र में भी काम करती रही है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंच पर। और इस सेशन को मॉडरेट करेंगे डॉक्टर विश्वजीत धर, प्रोफेसर JNU। We'll just take a couple of minutes because I believe people are a little tired. They have gone outside for a glass of water. I'll just take a sneak peek. So in the meanwhile, just request all the esteemed guests to be there, seated on the dais itself. So let's start. I think we can start the session. Behind schedule. Okay. Yeah. Thank you very much. इस आखिरी सत्र में आप सभी का बहुत आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत काम चला उसका हिंदी है। तो अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, इसलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले प्रोफेसर विश्वास को आमंत्रित करता हूँ अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू प्रोफेसर धर। मेरा भी हिंदी जो है हिंदी, हाँ, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला के बोलूँगा। हाँ, और बड़ा संक्षिप्त से करूँगा क्योंकि अभी बहुत कम लोग रह गए हैं इस हॉल में। मुझे एक चीज़ याद आ गया कि एक मंच में एक जो बात कर रहे थे कि एक के बाद एक, तो लास्ट स्पीकर जब आए तब उन्होंने देखा कि एक एटलीस्ट वन पर्सन वाज देयर, एक व्यक्ति सुन रहा है, तो बड़ा खुश हो गए कि भाई आप सुन रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ एटलीस्ट एक व्यक्ति सुन रहे हैं। तो आप क्यों सुन रहे हैं ये? तो बोले कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, आप ख़त्म करने से मैं माइक लेके जाऊँगा घर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बड़ा संक्षिप्त में दो चीज़ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मिनिस्ट्री शुरू हुआ तब हमने एक लेख लिखा था, प्रिंट पे आया था, तो एक छोटा सा लेख था, उसमें हमने ये कहा कि दो चीज़ कोऑपरेटिव्स को, एंड मैं जो कोऑपरेटिव जब बोल रहा हूँ मैं हर तरीके का कोऑपरेटिव को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, एग्रीबिजनेस कोऑपरेटिव बोलिए, जो कि फ्रॉम फार्म टू द कंज्यूमर स्प्लिट, वो पूरा जो है जो एग्रीबिजनेस चेन जो है, पूरा सप्लाई चेन जो है वो पूरा मैनेज करते हैं, वो कोऑपरेटिव के बारे में बोलता हूँ। और उसमें एग्रीकल्चर एंड ऑल रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज़,
वो शामिल है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक आइडियोलॉजिकली हमारा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट कोऑपरेटिव इन दैट सेंस. आई विल नॉट गेट इनटू दैट डिबेट नाउ. सो आई विल जस्ट फोकस ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव जहाँ की गांव के लोग गांव के क्षेत्र के लोग जो है अपना मेहनत से कुछ उगाते हैं कुछ पैदा करते हैं और बिकॉज वो सबसे जो पावर का अगर कंस्ट्रक्शन देखे पावर का इसमें देखे हिस्से में देखे वो सबसे वीक है. उसका बार्गेनिंग पावर नहीं होता है एक कॉरपोरेट के सामने बड़ा इसके सामने तो बार्गेनिंग पावर तो उसका ही जो है कोऑपरेटिव जो है ट्रूली इट गिव्स बैक टू द सोसाइटी बिकॉज जो कमजोर लोग हैं वही आके कोऑपरेट करेंगे. बड़े लोग तो ऐसे ही कोऑपरेट करते हैं उनका कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो दो चीज इसमें होता है और जो हमने देखा है कि दुनिया जब कोऑपरेशन पहले 1841 में जब बना था और वो जो प्रिंसिपल्स बने वो समय एक अलग था. आज का जो दौर है ये समय क्योंकि हम फ्यूचर ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं आज का जो दौर है वो बहुत अलग हो गया. दुनिया पिछले 10 साल में ही इतना चेंज हो गया है कि हम खुद ही उसको पहचान नहीं पा रहे. जो बहुत लोगों ने हम भी पढ़ाते हैं उसको वूका वर्ल्ड हो गया कि भाई ये वोलेटाइल वर्ल्ड है या अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे किस्म के चैलेंजेस है एम्बिग्यूटी है पूरा. तो उसी लिए जो है जो पुराने तरीके से जो हम करते थे कोऑपरेशन कोऑपरेटिव को चलाते थे और कोऑपरेटिव के बारे में जो समझ था वो शायद पूरा पूरा चेंज करने का समय आ गया. और ये दो चक्कर फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे कोऑपरेटिव के देखे पिछले 30-35 साल से यही देख रहा हूँ और उसका मैं स्टूडेंट हूँ. मैं हर समय मानता हूँ कि मैं कोऑपरेशन का कोऑपरेटिव का स्टूडेंट हूँ. मैं अभी भी सीख रहा हूँ. जैसा एक से ऑयल सीड्स कोऑपरेटिव जहाँ ऑयल सीड्स लेके तो वह एक मैनेजर मैंने कहा फेल्यूर का क्या कर जो फेल हुआ है लेट अस फेस इट फेल्यूर था बहुत सारे फेल हुए हैं उसमें से ऑयल सीड्स कोऑपरेटिव और एक बिग फेल्यूर. तो हमने मैनेजर्स बहुत सारे मैनेजर्स को हमने इंटरव्यू किया बोला साहब ये जो हमारा खरीदना बेचने का जो डिसीजन होता है मार्केट बहुत फ्लक्चुएट पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी होता है बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी क्योंकि इसका बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर जुड़े हैं उसको जानते हैं कि वोलाटिलिटी के कारण है मल्टीपल फैक्टर्स प्ले रोल. बोले मैंने खरीद बेचना मुझे इमीडिएट डिसीजन लेना होता है कि मैं खरीदूँ या बेचूँ रखूँ स्टॉक नहीं रखूँ और वो डिसीजन का जब वो जो चेन होता है जो फाइनल मुझे मेरे पास परमिशन सो कॉल्ड कोट अनकोट परमिशन आता है तब तक मार्केट चेंज हो गया मार्केट कंडीशन चेंज हो गया. आज के ज़माने में अभी इसी वक्त हमको डिसीजन लेना है लेकिन कोऑपरेटिव का मैनेजर्स के पास बहुत सारे ये पावर नहीं होता है ना ही उसका पास वो कैपेबिलिटी होता है. दो चीज हर कोऑपरेटिव दैट्स व्हाई वी रोट की प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स ये सबसे बड़ा. और प्रोफेशनलाइजेशन मतलब नहीं कि कोई भी आप इंसान को बिठा दीजिए जिसका कोई ग्रेजुएशन डिग्री है उसको बिठा दीजिए वो प्रोफेशनलाइज कर देगा. उसका तकनीकी ज्ञान जो है उस पर जो है और उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए वो कि डिसीजन तुरंत ले सके. वो एक बहुत अभी बहुत लागू सारे पूरा विश्व सारा बहुत लोग लिख रहे हैं कि कैसे कोऑपरेटिव को प्रोफेशनलाइज किया जाए. उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन इतना बताऊंगा कि दूसरा है कि अभी थोड़ा से बात हुआ थोड़ा देर पहले बोले भाई सरकार सपोर्ट देगी तो इंटरफेयर करेगी. नाउ दिस आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट रिलेशंस. सरकार गवर्नमेंट का विदाउट सपोर्ट कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव क्यों कोई भी बिजनेस कोई भी कॉरपोरेट कैनॉट सक्सीड एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया इट इज अबाउट द वर्ल्ड. विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट सपोर्ट डज नॉट ऑलवेज मीन कि आप पैसा दे दो पैसा देते हैं. आप अगर आंकड़ा देखेंगे एक ही कंपनी एक कंपनी मैं नाम नहीं लूंगा अभी देख लीजिए 2.8 लाख करोड़ उसने डेट लिया है
एंड का किससे डेट लिया है? ऑल गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स. द टू कंपनीज टुगेदर दे हैव 5,00,000 करोड़ का डेट लिया है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम से, अपना मेरा पैसा. उसको सपोर्ट नहीं है. Whereas the moment you say supporting cooperative, you put as managing director some bureaucrat who does not have, because आज वो जैन जो है, जैन मेहता जो है चले गए हैं, उनको पूछिएगा वो जो नौकरी करते हैं GCMMF में, वो नौकरी तब तक कर सकते जब तक वो फार्मर का हित में काम करेंगे. जिस दिन वो फार्मर के हित में काम करना बंद कर देंगे, उसका नेक्स्ट डे उनका तनख्वाह बंद हो जाएगी. बट मैं अगर एक सरकारी नुमाइंदे हूँ, मुझे कोऑपरेटिव में या MD करा दिया गया है, कोऑपरेटिव कहीं भी जाए, लोग मर जाए, लेकिन मेरा नौकरी नहीं जाएगी साहब. आई एम नॉट आंसरेबल टू द पीपल फ्रॉम हुज मनी आई एम पेड. And that is one of the banes of the. आप आज देख लीजिएगा पूरा देश में जो दूध का कोऑपरेटिव के बारे में बात है, सब लोग जिसे अमूल बोल रहे हैं, अमूल का जो MD होता है वो उसका नुमाइंदा, वो फार्मर का सर्वेंट होता है. इज ए सर्वेंट ऑफ द फार्मर एंड ई इज और शी इज आंसरेबल टू द फार्मर. जो भी कोऑपरेटिव एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑल मिल्क, देखिए मिल्क कोऑपरेटिव बाय डेफिनेशन कैन नॉट फेल, बट इट हैज फेल्ड इन मेनी स्टेट्स एंड इट हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ एपैथी. सेकेंड, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट सपोर्ट करती प्राइवेट सेक्टर, लेकिन कभी नहीं द रजिस्ट्रार ऑफ ये कंपनीज विल नेवर से कि आप किसको अपॉइंटमेंट देंगे. But here the registrar says who will be appointed as what. Without the permission of the registrar, you cannot appoint a person. अभी हमने पूरा देश का, मैंने पूरा देश का डेयरी कोऑपरेटिव्स का हमने स्टडी किया HR का पिछले 2-3 साल 4 साल पहले. And we across the country we started and we found one very that this most of the cooperatives have Amul because of its bigness and because of Gujarat has a very different history and trajectory. Otherwise, in almost all states, and because there the MDs are all, they are themselves government servant. They do not have a voice. So, if you look at the failure rates, so that is the first. So please, if government wants, the Ministry of Cooperation wants cooperatives to succeed in future, you should support without interfering. That has to be the way you do with the companies. That's the first thing. Second is, most cooperatives in the country, I'm talking about agriculture, they are in the Jurassic Park days. Jurassic. Oh, pura jo hai, abhi bhi jo chalta hai. What Balu was talking about, Balu was talking about that, app based. No, अभी आपको instant decision लेना है. तो technology, we did one study, not one, several actually, 5 of the series studies we did on members commitment to cooperative. क्या होता है कि किस चीज से member commitment आता है? सब कहता है कि भाई आप ज़्यादा पैसा दोगे तो member commitment हो जाएगा, which was not true. Our study said that member commitment is a result of how technologically savvy you are. Because technology brings in transparency in operations. More technology you use, greater becomes the transparency operation. जो भी अभी जब डिजिटल इसमें भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़े हैं, प्राइसेस आर नाउ गेटिंग नोन. सो दैट इज वॉट वेन यू यूज द टेक्नोलॉजी. सो इट वेन यू लिवरेज टेक्नोलॉजी, विदाउट दैट कोऑपरेटिव्स कैन नॉट सक्सीड. सो इफ यू प्रोफेशनलाइज एंड लिवरेज टेक्नोलॉजी, दीज आर द टू. The third, I will come to governance, and that is a very important part of cooperative success. The governance is, like Balu, of course, he has already talked about that how elections should be conducted, and someone, I think Dr. Marathe, I think talked about that there the election commission should.
अरे सॉरी सॉरी हाँ हाँ सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सर तो आई थिंक वी नीड टू थिंक मोर अबाउट इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द लार्ज कोऑपरेटिव गेट विजिटेड एंड इट इज समटाइम्स इट इज मच वर्स देन द जनरल इलेक्शन because the type of political rivalry that goes on. So there has to be a change. And members who do not have interest, for example, if I am not a dairy farmer and I do not give milk to my cooperative, I have no business in being there. So that has to be strictly monitored. In many cases, by default, it is not getting monitored. So people who have no interest in the business are also through some means they are also playing a major role in governance and they don't have any interest. So with this I end. Thank you so much for patient with me. Thank you, Professor Biswas. As I was listening to you and you were emphasizing the role of technology, you know, we know that, you know, the entire system, you know, hinges on information. And, you know, the whole transparency aspect is, you know, we call it symmetry of information. Everyone should have proper access to information. If you don't have it, then of course the system, and particularly in agriculture and you know, this is not going to function. Thank you very much. Now may I now request Prakash ji to express his views, please. I'll use the podium. At the outset, my thanks to the organizers for giving this opportunity to share my views on the topic of way forward to make cooperative relevant. बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग है, और ये टॉपिक देने में ज़रूरत ये पड़ी है कि आज की तारीख में कोऑपरेटिव रिलेवेंट नहीं है. ये प्रिजम्पशन लेके हम लोग आगे चल रहे हैं. आई एम फुल्ली एग्री विद द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट. फ्रेंड्स, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडियाज कोऑपरेटिव शुगर सेक्टर विच कंप्राइजेस ऑफ 5 crore शुगर केन फार्मर्स. और ये जो 5 crore फार्मर्स है, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है. ये नहीं कि गलतफहमियां काफ़ी है शुगर इंडस्ट्री के बारे में कि ये फार्मर्स बहुत रिच है, बड़े बड़े जमींदार है, ऐसे नहीं है. विथ ऑथेंटिसिटी आई एम सेइंग दोज 5 crore फार्मर्स दे प्रोड्यूस शुगर केन टूडे, एंड जिसके जरिए हमारे आज थाली में चीनी आती है, वो सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है. ये मैं आपको ऑफिशियली आपसे शेयर करना चाहता हूँ. 250 कोऑपरेटिव शुगर मिले हैं जो तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक सारे देश में, भारतवर्ष में फैले हुए हैं. उनका एनुअल कंट्रीब्यूशन जो चीनी बनती है इंडिया की, उसमें 40% है. आई एम प्राउड टू शेयर समथिंग टू दिस ऑगस्ट गैदरिंग. आज के तारीख में जो चीनी की निर्यात हो रही है, इंडिया वॉज नेवर अ सीरियस एक्सपोर्ट प्लेयर, नेवर. हम निर्यात तभी करते थे जब हमें ओवर प्रोडक्शन हो जाता. अभी क्या करें ये चीनी का, तो चलो निर्यात करें. ये फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ बिकम ए वेरी सीरियस प्लेयर इन द शुगर एक्सपोर्ट. पिछले 2 साल से करते आए, लेकिन इस साल एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है. 100 लाख टन की चीनी की निर्यात होने में जा रही है सितंबर तक. और मुझे खास करके इस बात का अभिमान है कि इसमें कोऑपरेटिव का शेयर 55% है. और ये एक बड़ी सराहना, क्योंकि इसके पहले तो इंडिया शुगर एक्सपोर्ट में सीरियस नहीं था और उसमें कोऑपरेटिव का शेयर बहुत कम होता था. तो ये एक इस जरिए ऑलमोस्ट 18,000 crore रुपीज़, 18,000 करोड़ रुपया की रेवेन्यू जनरेशन इस साल में सिर्फ कोऑपरेटिव के जरिए चीनी एक्सपोर्ट से हुई है. ये बड़ी प्राउड फीलिंग है, इसलिए मैंने कहा कि आपसे शेयर करें. अपार्ट फ्रॉम दिस, एनुअल कैश इन्फ्यूजन ऑफ 75,000 crore इज अचीव्ड बाय वे ऑफ केन पेमेंट. हम लोग जो गन्ने का भुगतान करते हैं, उसकी एनुअल कंट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव्स की है 75,000 crore. ये सारी फिगर्स मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा चाहता हूँ कि ये हमारी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी से ज़्यादा गलतफहमियाँ ही ज़्यादा है. तो मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म को इस ये करके एक बार आपसे शेयर करूँ कि जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर वॉट. 12,500 crore हर साल हम गवर्नमेंट को देते हैं. लोगों का ये गलतफहमी कि हम हमेशा गवर्नमेंट के पास बेगिंग बाउल लेके जाते हैं, ये दो वो दो, ये करो वो करो. अरे हमें हक बनता है जब सालाना 12,500 crore हम उनको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, GST है और बाकी अदर टैक्सेस के रूप में, तो हमारा हक बनता है. ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने के बाद मैं अभी मेन टॉपिक के पास आ रहा हूँ.
ये कोऑपरेटिव शुगर मिल कहाँ पे बसी है? शहरों में नहीं है। जब से ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री आई है वो देहात में है, इनएक्सेसिबल रूरल एरिया, जहाँ मोटर भी नहीं जाती थी, मोटरसाइकिल जाना मुश्किल था, ऐसे एरिया में जाके चीनी मिले, मैं कुछ सालों की पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद शहर बढ़ता गया और अभी हम नॉर्दर्न इंडिया में देख रहे हैं कि शहर के बीच में अभी चीनी मिल आ गई, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जब चीनी मिल स्थापित हुई वो इनएक्सेसिबल रूरल एरियाज में हुई। और उसके बाद जो पिक्चर चेंज हुआ है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस जहाँ मोटरेबल रोड नहीं थे, सॉरी उसके पहले ये कहना चाहता हूँ कि बैरन लैंड थी, जहाँ देखो नज़र देखो सब बैरन लैंड थी, वो बैरन लैंड इज नाउ कवर्ड विद ए ग्रीन कवर। किस चीज़ की ग्रीन कवर है? गन्ने की है। द शुगर केन प्लांटेशन स्टैंडिंग इन द फील्ड हैज़ कवर्ड द एंटायर बैरन एरिया, जहाँ जहाँ तक जाते थे। कुछ साल जैसे मैं भी आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई गो टू माई विलेज और मुझे भी अचरज होता है कि अरे यही मेरा गाँव है, यहाँ से मैं मेरी मोटरसाइकिल लेके भी मैं आगे जा नहीं सकता था, आजकल मोटरेबल रोड मेरे फील्ड तक जा रहा है। और ये जो वहाँ की प्रोग्रेस हुई है उसका मैंने जब जांच किया तो वहाँ एक कोऑपरेटिव शुगर मिल जब से आई तब से उसके माध्यम से वो सब एरिया का डेवलपमेंट हुआ है। एक तो हो गया मोटरेबल रोड्स, दूसरा जनरेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू रूरल फोक्स, देहातों में रहने वाले जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उनको उनके उन्हीं के गांव में उन्हीं के एरिया में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये शुगर मिल के माध्यम से, स्पेशली कोऑपरेटिव शुगर मिल के माध्यम से काफ़ी हुआ है। इसके जब मैं ये स्टेटमेंट यहाँ कर रहा हूँ इसके पीछे आई हैव गॉट ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स विथ मी। एंड थर्ड थिंग, थ्रू दिस शुगर मिल्स, आपको ये सुन के कड़ा अचरज लगेगा कि सीरीज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस हैव कम अबाउट, पता है शुगर मिल के माध्यम से। चीनी उद्योग का ये था कि चीनी बनाना है, लेकिन एक बहुत अच्छा मॉडल गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटक की कोऑपरेटिव शुगर मिलों ने किया है। गन्ने का जो भुगतान करते हैं, जो भुगतान का प्राइस है, उसमें से एक रुपये पर टन या दो रुपये पर टन निकाल के डेवलपमेंट के लिए बाजू में लेते हैं, रखते हैं। और इतना सारा गन्ना आता है, जो पैसा जमा हो जाता है उसको हम कॉर्पस बोलते हैं। उस कॉर्पस से सीरीज ऑफ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हुए वो चीनी कोऑपरेटिव मिल के माध्यम से हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आज बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेहतरीन डिग्रीज देने वाली आज ये चीनी उद्योग के माध्यम से आज खड़ी है। कंज्यूमर स्टोर्स, जैसे मॉल की कल्चर आ गया तब से कंज्यूमर लार्ज कंज्यूमर स्टोर्स विलेजेस में शहरों में हुए हैं, ये चीनी उद्योग के माध्यम से हुए हैं। फ्रेंड्स, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक हाफ ऑफ माई टॉक बाई सेइंग दैट इट हैज़ लिटरली चेंज द फेस लिफ्ट ऑफ रूरल इंडिया एंड वी शुड बी ऑल प्राउड ऑफ इट कि ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ने इकट्ठा आके अपनी एक चीनी मिल बनाई है। और इस चीनी मिल के 250 शुगर मिल का मैं रिप्रेजेंट यहाँ करने जा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये रूरल एरिया का जो फेस लिफ्ट हुआ है उसमें चीनी उद्योग का काफी काम है। नाउ ये सब होने के बावजूद चीनी उद्योग के सामने देर आर न्यूमरस चैलेंजेस एंड दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। मेरे इन माय ओपिनियन द ग्रेटेस्ट चैलेंज, सी आई एम अटैच्ड टू दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 23 इयर्स, सो कुछ ना कुछ इसमें मेरे बाल सफेद जरूर हुए हैं इस इंडस्ट्री को कॉन्ट्रीब्यूट करते करते। और मेरा खुद का एक ओपिनियन बन गया है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इन्होंने जो जिक्र किया सरस्वत जी ने, आई फुल्ली एग्री विथ हिम, हमारा माइंड पैराडिगम है ना कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री का वो फिक्स्ड है, हम चेंज करना ही नहीं चाहते, हम जो कर रहे हैं वही सही है, हमें कोई आके बोले हम ये जरूरी नहीं कि हम सुने कान से सुन ले ले और दूसरे कान से छोड़ दे। ये जो एटीट्यूड है ना हम लोगों का, हमारी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री का, ये सबसे बड़ा खतरनाक है मेरे अंदाज से। दूसरा, lack of professionalism. I fully agree with my friend when he said this. Professionalism क्या चीज़ है? Professionalism में बहुत सारे elements आते हैं और वहाँ पे हमारी जो sugar mill है वहाँ के जो काम करने वाले managing director से लेके सारे head of the department सारे कहाँ से आए हैं? ये उसी देहात से आए हैं। See, I don't blame them. Nobody is born with intelligence and professionalism. Professionalism has to be cultured और उसके लिए
बार बार ट्रेनिंग होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और ये नहीं हो रहा है आज। इसके जरिए आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ प्रोफेशनलिज्म इज़ टोटली लैगिंग। फिर वो प्रोफेशनलिज्म कम्युनिकेशन स्किल में हो, रिटर्न स्किल में हो, या जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें हो, फाइनेंस मैनेजमेंट में हो, हर चीज़ में हो, ये वहाँ से लैगिंग में जो दिख रहा है। अनदर थिंग इज़ ग्लोबल नॉलेज। दुनिया में इतनी बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। कुछ साल पहले हमने कभी इथेनॉल की बात भी नहीं सुनी थी, आज इथेनॉल हैज़ बिकम द सेवियर ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जल्द से जल्द इस्तेमाल करके आगे जाने की जो मानसिकता है वो हमारे कोऑपरेटिव शुगर मिल में आज भी नहीं है। थर्डली, इग्नोरिंग कॉस्ट रिडक्शन। ये नॉर्दर्न इंडिया में मैं ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन जिस एरिया से मैं आता हूँ महाराष्ट्र से, वहाँ पे इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप काफ़ी है। एक अच्छी बात है इसमें कि महाराष्ट्र के जितने भी चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट द करंट वन, दे हैव ऑल कम फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री। वो जैसे बोलते हैं ना, सरपंच, सभापति, सभापति से लेके एमएलए, एमएलए से लेके मिनिस्टर, मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर, वो एक रूट है। यहाँ पे स्पेशली महाराष्ट्र में ये हमने देखा है कि कोऑपरेटिव शुगर मिल का चेयरमैन बनता है, उसके 20-25 हज़ार जो वोटर्स है वो उसके पक्के वोटर्स हो गए, क्योंकि वो मेंबर्स है शुगर मिल के, तो उसके बलबूते पे वो एमएलए बनता है। एमएलए से वो फिर जो भी बनता है वो खुश होया नहीं रहना चाहता, वो उसकी नज़र है मिनिस्ट्री पे, मैं कब जाके मिनिस्टर बनूँ। फिर मिनिस्टर बनने के बाद भी वो बेचैन रहता है, मैं कब जाके चीफ मिनिस्टर बनूँ। नथिंग रॉन्ग इन दैट। सी, वी आर क्रिएटिंग लीडरशिप फ्रॉम ए रूरल बेस, बट ये फैक्ट है। और ये करते करते हम एक बात भूल जाते हैं, अ रुपी सेव्ड इज रुपी अर्न। एक रुपया जब हम बचाते हैं वो बचत नहीं होती है, उस रुपये की आमदनी होती है। ये सिंपल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, ये हम भूल जाते हैं। वहाँ क्या होता है, और वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ होता है उसको ये लागू होता है। कोई भी रीज़न आ, गन्ना क्रशिंग सीजन शुरू करना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, एक बड़ा पेंडल डालेंगे, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे, मंत्री जी आएंगे, खर्चा पानी खाना पीना क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी। अरे भाई, तुम्हारा क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, अपने किसी शुगर केन हमारे जो मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है, सबसे बुजुर्ग है, उसको बुलाओ, उसके हाथ से करो क्रशिंग का स्टार्ट। क्यों इतने बड़े पैमाने पे खर्चा करते हो, खर्चा किससे जा रहा है आखिर, तुम्हारे पॉकेट से जा रहा है। वहाँ नहीं रुकता ही है, 1 लाख बैग, 1 लाख बैग शुगर की तैयार हो गई, चलो उसकी पूजा करो, चले लगे फिर पंडल लगाओ, फिर हजारों लोगों को बुलाओ, फिर खाना पानी। ये कभी ना कभी तो चेंज होना चाहिए साहब। ये खर्चा जो है, मैं देख रहा हूँ ये गुजरात में नहीं होता है। आई डोंट नो वेदर देर आर एनी फ्रेंड्स फ्रॉम गुजरात। आई अप्रिशिएट गुजरात फॉर 2 रीजंस। 1, गुजरात की 19 चीनी मिलें हैं वो सारी की सारी कोऑपरेटिव है, एक भी प्राइवेट शुगर मिल गुजरात में नहीं है। दैट इज़ समथिंग विच गुजरात शुड बी प्राउड ऑफ एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ। लेकिन गुजरात में कभी भी इस तरीके के फंक्शन नहीं होते। गन्ना की सीजन शुरू करने में बड़ा फंक्शन करो, 1 लाख बैग हो गए उसका पूजा करो, फिर 2.5 लाख बैग हो गए उसकी पूजा अलग करो, फिर सीजन खत्म होने की भी एक ये रहता है। चलो आज अभी चल रहा है, अभी जो सीजन जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, जो मैं आज इतना बड़ा फंक्शन हुआ, ये मंत्री जी आए, ये वो, अरे क्यों भाई, किसके लिए खर्चा कर रहे हो। खैर, उनका उसमें मकसद अलग है, क्योंकि उसमें से उनके पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके एस्पिरेशंस अलग अलग है, ये वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये बात हम मानते हैं। लेकिन कभी ना कभी, अभी देखो ऑल इंडिया में 530 चीनी की मिले हैं, ठीक है, आउट ऑफ दैट ओनली 259 आर कोऑपरेटिव। चलो तो कोऑपरेटिव को बाजू में रखते हैं, जो बचे हैं वो कौन सी मिले हैं, वो प्राइवेट मिले हैं। करते हैं क्या वो प्रोग्राम, करते हैं क्या ये खर्चा सब, कुछ नहीं होता है वहाँ। वहाँ ऑटोमाइजेशन हुआ है, वहाँ सारा जो मैंने अभी जो माइनस पॉइंट्स बोले कोऑपरेटिव्स के, वो सारे वहाँ नहीं मुझे नज़र आते। मैं जाता हूँ, ये बड़ी बड़ी मिले जो है उत्तर प्रदेश की, मैं ज़रूर जाता हूँ, देखता हूँ कि वो किस तरीके से चलती है और वहाँ से हमने क्या सीखना चाहिए। तो बिकॉज देयर इंटेंशन इज़ प्रॉफिट। हर साल में खर्चा कितना हुआ, आमदनी कितनी हुई, और प्रॉफिट लेके मैं डिविडेंड मेरे मेंबर्स को कितना दे पाऊँ, इस पर नज़र रख के ये प्राइवेट मिले चलती है। चलो, कोऑपरेटिव्स में प्रॉफिट इज़ नॉट ए वर्ड इन माई, दैट इज़ अनदर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू।
कल ही जो नए जॉइंट सेक्रेटरी कोऑपरेशन ज्वाइन हो गए बंसल जी, उनसे मेरी एक घंटे बात हो गई. ही इज़ ऑल्सो एडिशनल चार्ज ऑफ MD NCDC. उनको ताजुब लगा जब मैंने ये कहा कि हमारे कोऑपरेटिव शुगर मिल की बैलेंस शीट में प्रॉफिट ये वर्ड ही नहीं है. हमारे बैलेंस शीट में हम प्रॉफिट नहीं बता सकते. द कोऑपरेटिव एक्ट डजंट अलाउ अस टू शो द प्रॉफिट इन माई बैलेंस शीट. फिर क्या होता है, जिस साल में हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और खर्चा कम होता है, जो बचता है उसका हम क्या करते हैं? फिर अगर प्रॉफिट नहीं बताते तो कहाँ जाता है पैसा? तो ये एडिशनल मनी जब कभी किसी साल में अगर हमारे पास रहा, जिसे हम अंग्रेजी में कैश एक्रूअल कहते हैं, कैश एक्रूअल हम चीनी गन्ने के दाम में दोबारा फार्मर को बटोर देते हैं कि भाई आपने गन्ना दिया, आपका ये बिल बनता है, लेकिन इस साल हमने आमदनी अच्छी है तो उसका आपका शेयर इतना है, ये भी एडिशनल ले लो. ये करती है कोऑपरेटिव्स, क्योंकि ये काश्तकारों ने साथ में आके उन्होंने बनाई, उनकी कंपनी है ना. आज एक शुगर मिल के 20,000 मेंबर है, 20,000 मेंबर में से 22 डायरेक्टर्स है. ये डायरेक्टर कल खेती कर रहे थे, खेती से उठ के वो डायरेक्ट बोर्ड रूम में आ गए. आज उसमें से दो एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बन गए. माइंड वही है ना, आपका डेसिग्नेशन चेंज हो गया लेकिन वही माइंड फाइव फील्ड का लेके आप बोर्ड रूम में बैठ के फिर डिसीजन लेना चाहते हो, करते हो. तो खैर, ये दिस इज़ अ सिस्टम, यू कैन नॉट चेंज दिस, और ये होना भी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में. बट माय ओनली थिंग इज दैट ये जो कमियां हैं हमारी, वो कहीं ना कहीं हमें दुरुस्त करना जरूरी है. एंड अनदर थिंग आई वॉन्ट टू ड्वेल मोर इज, हम लोग शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल ये हमें पता ही नहीं है. हमें सब फायर फाइटिंग जानते हैं. इस साल सूखा है ना तो सूखे से झगड़ते रहेंगे, इस साल बाढ़ आ गई ना तो बाढ़ से झगड़ते रहेंगे. अरे भाई सोचो ना, ये तो चलती है बात, लेकिन 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ क्या प्लान है आपका, जो प्राइवेट सेक्टर बना के रखती है? सीखो भाई, आपके बाजू में है प्राइवेट शुगर मिल, कैसी उनकी मैनेजमेंट है, किस तरीके से वो सोचते हैं, कहाँ वो जाना चाहते हैं. तो दीज एरियाज वी आर लैकिंग. अनदर थिंग इज लैक ऑफ मार्केटिंग एक्यूमेन. मार्केटिंग ये वर्ड ही हमें जानते नहीं. हमको इतना ही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमको कोटा आता है, इतनी इतनी चीनी बेचो. चलो ठीक है, हमने 100 बोरी बनाई, 10 बोरी का कोटा आ गया, 10 बोरी हमने बेच डाली, 90 बोरी का गोडाउन में रख के उस पर ब्याज भरते रहे. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री. एंड अपना एक ब्रांड बनाए, हमारी चीनी का एक खुद का एक ब्रांड बनाए, वो ब्रांडिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, जहाँ चीनी उद्योग नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम से लेके मेघालय से लेके कहाँ है चीनी? कोई शुगर मिल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी वहाँ खपत है, वेस्ट बंगाल. सबसे मीठा वहाँ खाया जाता है, लेकिन वहाँ चीनी मिले नहीं है ज़्यादा. तो ये मार्केट जाके मेरा चीनी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दाम मिले वहाँ, इस तरीके का मार्केटिंग एंगल देखने के लिए आपको कोई अच्छा MBA मार्केटिंग हर चीनी मिल में चाहिए. आज की तारीख में नहीं है. आज की तारीख में ये जो कल खेती करने वाले थे, जो बोर्ड रूम में बैठे, वो ही अपना मार्केटिंग का डिसीजन लेते आ रहे. इसमें बदलाव आना चाहिए. ये मेरा पॉइंट है. सेकेंड इज ऑफकोर्स द ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स टूवर्ड्स गेटिंग ट्रेन एंड अपग्रेडिंग टेक्नो कमर्शियल स्किल. अब ये सारी बातें मैंने कही, एज ए फेडरेशन हमारी भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दे, इन लोगों को अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ घंटा दो घंटा चार घंटा दिन डेढ़ दिन दो दिन साथ में बिठाए, नई नई चीज़ें उनसे सीख. लेकिन फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से, रिस्पॉन्स कम आता है. ऐसे इतने अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं, लेकिन उसमें भेजते किसको? क्लर्क को, जाओ भाई अटेंड करके आओ. अभी क्लर्क अटेंड करके गया, घर जाके वो भूल गया. इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देने के बाद आना चाहिए वहाँ चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने. अभी तो हमने कंपलसरी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नई सहकारिता मिनिस्ट्री आई है, आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर रियली वर्किंग विद अ ग्रेट स्पीड. और वो उसमें ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है, और हमसे वो हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं कि कौन से मॉड्यूल लाए, क्या लाए. तो आई एम नॉट सेइंग द फ्यूचर इज़ ब्लीक, फ्यूचर इज़ डेफिनेटली ब्राइट, लेकिन आज के तारीख में हम लोग एक टनल से जा रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा है. टनल के एंड में लाइट दिख रहा है मुझे, वो लाइट तक जितने जल्दी हम पहुँचे उतना अच्छा ये शुगर इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री के लिए होगा. एंड द लास्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज द एब्सेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट स्किल ये शब्द जो है वही पता नहीं हम लोगों को. सॉफ्ट स्किल बहुत सारे होते हैं, और जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते जा रही है उसमें नए नए सॉफ्ट स्किल आते रहे. तो हम लोग अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये भी डाल रहे कि सॉफ्ट स्किल एक्सपर्ट लाए, उनको एक बार बताए, भाई आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, मोबाइल यूज़ का एटिकेट्स क्या है. मोबाइल लाया, इस्तेमाल किया, लेकिन उसके भी कोई
सॉफ्ट स्किल्स है वो उनको समझाना जरूरी है, और वो काम अभी हम अगले जो मॉड्यूल बना रहे हैं सहकारिता मंत्री मिनिस्ट्री उसमें ये जरूर ला रहे हैं. नाउ इन लाइट ऑफ दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू मेक शुगर कोऑपरेटिव रिलेवेंट, क्या करना चाहिए रिलेवेंट करने के लिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बी अवेयर दैट यू आर लैगिंग, हमारे में कमियाँ क्या है इसकी अगर आप महसूस नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे. तो सबसे पहली बात है कि ये महसूस करो कि ये हमारी कमियाँ है, 50% तो काम आपका हो गया. अब ये कमियाँ दूर करने के लिए जो भी करना जरूरी है जो मैंने अभी कहा वैसे कि ये कमियाँ दूर करना है उसके लिए ये सोल्यूशन है, ये कमियाँ दूर करना है उसके लिए वो सोल्यूशन है. तो एज ए हेड ऑफ दी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम श्योर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे में कमियाँ क्या है ये हमने आइडेंटिफाई की है तो हमारा 50% काम हो गया है. अभी फॉर्चुनेटली क्या होता था कोऑपरेशन मीन्स हमारे कोऑपरेशन सब्जेक्ट वॉज कवर्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को ये कोऑपरेशन दिया था, बस कागज आए चिट्ठी आए लगा के रखो, कुछ उसके आगे नहीं होता था. आई एम सॉरी आई डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसाइज एनीबडी बट आई सी द बिग चेंज विद द कोऑपरेशन मिनिस्ट्री. कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी है, इंडिपेंडेंट एडिशनल सेक्रेटरी है, इंडिपेंडेंट जॉइंट सेक्रेटरी तीन है, डायरेक्टर से बड़ी पैराफर्निया और सब लगे हुए हैं काम में. और मुझे आशा है कि विद नेशनल फेडरेशन वेरी क्लोजली वर्किंग विद कोऑपरेशन मिनिस्ट्री द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज डेफिनेटली देयर एंड लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू प्रकाश जी. मैं नाउ इनवाइट कहना जरूरी था यार, मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म मिला है. आप सभी को साधारण नमस्कार. करीब करीब सभी विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं. अभी प्रोफेसर विश्वास ने बहुत अच्छी जो है ना, उसके बाद अभी वर्तमान जो बोल रहे थे शुगर पर बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला. अब हमें अपनी कमियों पर ध्यान देना है कि हमारे इसको जो कमियां कैसे दूर हो, और यहाँ जो चर्चा हुई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट हो. इम्प्लीमेंट के लिए शायद गवर्नमेंट का कोई आदमी रहता तो बेहतर रहता. अब इस चाहे आप जितनी चर्चा कर लें जितनी सेमिनार कर लें ये बात सरकार तक पहुँचे और सरकार से इस बात को मनवाया जाए, उसको कन्विंस किया जाए. इस सब के लिए हमारे जो है ना जितनी भी हम चर्चा कर चुके हैं हमारे सामने तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर उदय जोशी जी और हमारे मराठे जी और डी एन ठाकुर साहब का बड़ा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव में रहे सब कुछ रहे हैं. हम आप जितना बोल जाएं, जितने बता जाएं, कह जाएं, सुझाव दे जाएं, अगर उसका लागू नहीं होगा तो जो है ना वो बेकार है. अभी कुछ दिन पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हमारे पास गुजरात के कुछ लोग आए थे कि फार्मर्स को जो है ना हम उसकी जो ग्रोइंग पावर है उसको उपजाऊ है उसको हम 25% जो है इंक्रीज कर सकते हैं. सिखाओ साहब उस समय राज्य मंत्री थे और पूरी एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्शन कमिश्नर से लेकर सीड कमिश्नर से लेकर सारे लोगों के एक तरफ बैठे हुए हम लोग के कुछ लोग दे रहे थे अपना रिप्रेजेंट. तो उन्होंने बाद में एक ही कहा कि आप बताओ जो किसान का उपज है अभी आप छोड़ दो इसको और इसकी उपज बढ़ाना इसकी और आमदनी बढ़ा जो अभी जो पैदा कर रहा है उसको उचित मूल्य कैसे मिले उसको कहाँ बेचे कैसे करें इस सिस्टम पर आप काम करो और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप लाओ. हम किसी को कोई भी हम मदद करने को तैयार हैं. तो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है नीदरलैंड में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, हमारी जो अभी जो हम कर रहे हैं इंडिया में कुछ जो कर रहे हैं हमारी जो सिचुएशन है उसको कैसे मजबूत हो. अभी हमें हर सोसाइटी वाले को डिस्ट्रिक्ट में है उसको ए आर पास डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार पास जाना जाता है. हमारे ग्रामीण आदमी है वो वहाँ तो पहुँच नहीं पाता, अपनी बात नहीं कर पाता है. और जो लोग हैं सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो भी सोसाइटी के हैं वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखे हैं जो हकीकत में है. तो जब तक इनसे हम निकलेंगे नहीं तब तक होगा कैसे.
सरकार जाएंगे वहाँ तो वो जाएगा, तो अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को लोग सोसाइटी के पास आ करके उसकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। हमारे जो छोटे किसान हैं, सोचे लोग हैं, वो कैसे जाएंगे, अपनी बात ही नहीं कर पाते हैं। तो आज वो हम चाहे जितनी गवर्नमेंट जो है ना इनकी किसानों की मदद कर दे, जब तक सस्टेनेबल उनको नहीं बनाएंगे, उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक ये बात नहीं बनेगी। आप जितना भी सब्सिडी दे दे, जितने भी हेल्प कर दे, नहीं होगा। हमें ज़रूरत है कि उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। उस सारे विषयों पर यहाँ पर बड़ी चर्चा अच्छी हुई है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि तीनों आदमी से, डॉक्टर उदय जोशी जी से और डी एन ठाकुर साहब से, जो हम लोग की बात हुई है उसको भारत सरकार से राज्य सरकार के साथ बैठ करके इसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए उस पर बात करें। खास करके जो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी जो है ना अच्छा होना पड़ेगा। उनको अपनी भूमिका अपने अच्छी तरह से निभाना पड़ेगा। जिस दिन वो अपनी भूमिका निभाना शुरू कर देंगे, कोऑपरेटिव में एक आमूल परिवर्तन आ जाएगा। शुगर मिल का जैसा इन्होंने आपने इंटरेस्ट लिया, ऐसे ही सब में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो हमें ज़रूरत है कि जो भी हमारा हरबीर जी ने एक बड़ा अच्छा ये रहा, हरबीर जी से मैं चाहूँगा कि जो भी ये हुआ है सुझाव, इसको अमली जमाना जो है ना पड़ा, इसका पहले भी हरबीर जी ने एक बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये करके जो है ना हमारा यहीं पर बाइंड अप हो जाता है, हमारा यहीं पर सेशन ये हमारा ख़त्म हो जाता है। इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, और बढ़ाने में सभी लोग न कर नहीं सकते हैं। हम यहाँ सोच रहे हैं कि तीन आदमी के अलावा जो है ना और जो कहेंगे चाय पी आएंगे, तीन आदमी सफिशियंट हैं जो सरकार से अपनी बात कह भी सकते हैं, उनको हम समझा भी सकते हैं, उसको इस ग्रुप में जो है ना ला सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि थोड़ा सा रिफॉर्म हो जाए सरकार में भी और कोऑपरेटिव में भी, तो हिंदुस्तान की नक्शा जो है ना आर्थिक कदम पर चाहे जिस रूप में, कोऑपरेटिव के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। कोऑपरेटिव भी है जो विकल्प इसको कर सकती है, और समझते हैं कि कोऑपरेटिव को डी एन ठाकुर से अच्छी तरह से कोई समझ भी नहीं सकता है। तो मैं ठाकुर साहब से स्पेशली चाहूँगा कि ये जितनी चीज़ें हैं, आप आज प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, आज आप कोऑपरेटिव मिनिस्टर से मिल सकते हैं, आज आप सेक्रेटरी से भी मिल सकते हैं। हम लोगों तो किसी का हैसियत ही नहीं है कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर से जाकर मिल लें, उनके पास टाइम नहीं है। तो वो चीज़ कहने के लिए जो है ना हमारे पास तीन आदमी के अलावा खा ही नहीं है। हम चाहे जितनी चर्चा कर लें, वहाँ जाएंगे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है ना आधी सांस तो ऐसे ही चली जाएगी वहाँ मिलने के लिए। तो हम जो है ना कहें तो किससे कहें, सेंट्रल स्टार के यहाँ जाओ टाइम नहीं है, सेक्रेटरी के पास जाओ टाइम नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाओ टाइम नहीं मिलने के लिए। यार जब उनके पास टाइम ही नहीं मिलने के लिए, तो आप किसके पास अपनी कोई समस्या जाओ। आपको कोई सोसाइटी में अमेंडमेंट कराना है, आप चक्कर लगाते रहो। हमने तो अमेंडमेंट कराना ही भूल गए कि भैया अमेंडमेंट मत कराओ, जितना कराओ उतना चक्कर लगाए। अरे ईजी होना चाहिए, कोऑपरेटिव आदमी चला रहा है, आप रूल्स करो कि हम वो ठीक ठाक कर रहे हैं, जो ठीक ठाक कर रहा है वो ईजी होना चाहिए। हर चीज़ जो है ना जो कोऑपरेटिव का चाहता है उसको सरकार की मदद करनी चाहिए। हम डिपेंड हो गए सरकार पर और सरकार सुनती नहीं है, तो आप कैसे करोगे। एक छोटी छोटी बात के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, जो अगर वो नुमाइंदा जो है ना कहीं मंत्री है, नुमाइंदा कहीं MLA है, MP, तो उसकी बात तो सुनी जाती है। आम जो कोऑपरेटर है उसकी सुनी नहीं जाएगी। और आम जो कोऑपरेटर नहीं होगा तो वैसे ही जैसे बता रहे शुगर मिल में कि वो कंबल भी बटेंगे, बैग भी बटेंगे, सब बटेंगे सारा जो है ना, क्योंकि उनका अपना जो है मैनिफेस्टो होता है। हमको इस कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे हम जो है ना MLA बन जाए, MP बन जाए और मंत्री बन जाए। तो हमें सारी बिंदुओं पर जो है ना विचार करके, एक एज ए कोऑपरेटर जो है ना इसके राय करके और सरकार से बात करके, कोऑपरेटर से बात करके, समय समय पर इस तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए। और जितनी इंस्टीट्यूशन है नेशनल लेवल पर, खासकर तो मैं कहूँगा NCY को, NCY जिस दिन ठीक हो जाएगी, अपने ड्यूटी को कर्तव्य को समझेगी, सारे नीचे के स्टेट लेवल का ठीक हो जाएगा, स्टेट लेवल का ठीक हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमको तो ठीक होना पड़ेगा ना। और आप तीनों को कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना, जो भी हमारी कमियां हो, जिसमें कमियां हो, उस कमियों को तरफ इंगित करना पड़ेगा, न कि जो है ना हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो आइए हम मिल करके आज से शुरुआत करते हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि ये तीन आदमी चाहेंगे तो ये जितनी सेमिनार हो वही ठीक हो सकता है, अदरवाइज हम आप तीन चार ऐसे सेमिनार कर लें वहीं के वहीं रहेगा। जय हिंद, जय साहब। ठीक
ठाकुर साहब राम इकबाल जी ने कहा आप ही बोल सकते हैं आगे कैसे बढ़े, आप बताइए कैसे आगे बढ़े। चलिए वो तो राम इकबाल जी की महानता है, अदरवाइज मैं हूँ नहीं इस लायक जितना इन्होंने कहा है। बहुत पीछे हम चल रहे हैं समय से, पहले तो मैं ये कहूँ। अभी भी हरवीर जी कहने आए कि थोड़ा आप जल्दी कर दीजिएगा, मुझे उन्होंने ये भी जिम्मेदारी दे दी है कि आप समअप भी कर दीजिए, क्योंकि अब थोड़े हम समय से पीछे चल, हमारा लंच 2:15 तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, मतलब कि आप लोगों का टाइमिंग उतना ही होना चाहिए, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहली बात तो ये, अभी का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है हाउ टू मेक कोऑपरेटिव रिलेवेंट। थोड़ा सा मैं इसको बदल दूंगा। विश्वास साहब ने कहा कि डेयरी कोऑपरेटिव फेल नहीं हो सकता, मैं इससे एक स्टेप आगे कहूंगा जो मेरा अनुभव है, कोऑपरेटिव फेल ही नहीं, कोई भी कोऑपरेटिव फेल नहीं हो सकता, वाई ओनली डेयरी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव और मैंने अध्ययन किया है जितने काफ़ी सारे कोऑपरेटिव फेल कोऑपरेटिव का, कभी कोऑपरेटिव के कारण कोऑपरेटिव फेल नहीं हुआ है, हमेशा कोई न कोई एक्सटर्नल फोर्स जिसका उससे मतलब नहीं रहा, जिसने इसको अपने स्वार्थ के लिए यूज़ किया, उन्होंने इसको फेल करवा दिया। आप में से कोई भी अगर इस बात से सहमत नहीं है तो फेल कोऑपरेटिव का अध्ययन कर लीजिएगा, अपने क्षेत्र में जाकर बाहरी तत्वों ने कोऑपरेटिव को फेल किया है, ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स, जहाँ भी फेल हुआ इट इज़ एक्सट्रेनियस फैक्टर दैट हैज़ लेड टू फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव। अब अगर कोऑपरेटिव फेल नहीं हो सकता तो फिर कोऑपरेटिव, जो मैंने कहा मैं थोड़ा अलग करूँगा, इरेलीवेंट कैसे हो सकता है, ये तो हमेशा से रेलीवेंट रहा है और रेलीवेंट रहेगा। ये जब भी सरकार या ये चीज़ होती है, गवर्नमेंट अलग नहीं है, हम से ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक सिस्टम के माध्यम से सारे काम करती है। उसी सिस्टम में जो आप देखेंगे कि गवर्नेंस का सिस्टम है, काम करने के तरीके हैं, तो 3 तरीके हैं बिजनेस करने के, जो हरबीर जी ने पहले सेशन में ही कहा था, या तो सरकार करेगी या कॉरपोरेट करेगी या लोग मिलजुल कर करेंगे, जिसको हम कोऑपरेटिव नाम देते हैं। कोऑपरेटिव के कई सारे वेरिएंट निकल गए, बहुत सारे, मतलब आप देखिए तो जेनरिक दवा वही है कोऑपरेशन, लेकिन SHG हो गया, JLG हो गया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेकिन जेनरिक एक ही कंसेप्ट है, वो है कोऑपरेशन। तो ये जो सिस्टम की इवोल्यूशन हुई, जहाँ कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस ने अपने स्वार्थ के लिए इसको इस तरह कर दिया, वे कोऑपरेटिव फेल कर रही है तो नई चीज़ों के लिए, उनको नया कहीं कुछ दिखा वो उसको छोड़कर नए की तरफ भागने लगे। इस मानसिकता से कम हम लोग जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हमें तो निकल जाना होगा, और हमें बहुत जोर देकर कहना होगा कि कोऑपरेटिव ना इरेलीवेंट है, ना हो सकता है, ना पहले हुआ है। कोऑपरेटिव ही एकमात्र ऐसा रिलेवेंट संगठन है जो देश के, किसी भी देश की जो समस्या क्या क्या होती है, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सोशल हार्मनी, इस सब को अगर एक कोई बचा सकता है संगठन, तो वह है सहकारिता। यह एकदम इस्टेब्लिश फैक्ट है, हम सब इस बात को मानते हैं कि जहाँ कलह होता है, जहाँ विद्वेष, कलहपूर्ण समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता, असंभव। कलहपूर्ण परिवार भी कभी उन्नति नहीं कर सकता, कलहपूर्ण संगठन भी कभी उन्नति नहीं कर सकता। और कलह को हम रोक कैसे सकते हैं, विद्वेष को हम रोक कैसे सकते हैं, जब हमें सामंजस्य होगा, जब हम सहकारिता के सिद्धांत पर रहेंगे। तो सहकारिता को तो ये कहना कि इरेलीवेंट है, इट हैज़ बीन मेड इरेलीवेंट, ये डिबेट भी कोऑपरेटिव हैज़ फेल्ड, इज ए एब्सोल्युटली बोगस डिबेट, क्योंकि कोऑपरेटिव को जिन्होंने फेल करवाया अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने इस डिबेट को आगे बढ़ाया, इस कोटेशन को, कोऑपरेटिव हैज़ फेल्ड। ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि कोऑपरेटिव रिलेवेंट है, इसलिए इस टॉपिक पे तो, और कोऑपरेटिव फेल हो भी नहीं सकता,
नहीं, सब कुछ फेल होता है, ऑल मॉडल्स कैन फेल, चाहे आपका वो कैपिटलिज्म का मॉडल हो, मार्केट ड्रिवन मॉडल हो, लेकिन कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबसे पहले मानव के साथ उदय हुए हैं। मैं ये कहता हूँ, दूसरा चीज़ जो हम इरेलेवेंसी की बात करते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि कॉपरेटिव है क्या, इसके ओरिजिनल स्वरूप है क्या। व्यक्तिगत रूप से मुझे कॉपरेटिव के लिए अगर एक सबसे समीचीन स्वरूप समझने के लिए नज़र आता है तो वो है नेचर, प्रकृति। प्रकृति में कई सारे आपको विरोधाभासी एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं प्रकृति का कोई एक यूनिफॉर्म एलिमेंट है। प्रकृति को रादर हम, मैं ये कहूँ कि जीवंत अगर उदाहरण हमें प्रकृति को समझने के लिए चाहिए मेरे हिसाब से, तो हम मानव ही हैं। हम में कम से कम, लोग कहते हैं पंचभूत, लेकिन पता नहीं कितने भूत इस शरीर में होंगे। हाँ, पंचभूत तो कहते हैं कि पंचभूतों से, पंच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, लेकिन इस सारे विरोधाभासी तत्वों के बावजूद एक अजीब तरह का प्राकृतिक समन्वय बना हुआ है, जहाँ ये लड़खड़ाया शरीर गया, जहाँ प्रकृति में इस तरह के संतुलन लड़खड़ाए, प्रकृति अपना तांडव करना शुरू कर देती है। और प्रकृति के काम करने का जो तरीका है वो है संतुलन या कॉपरेशन। जिसने कॉपरेशन के इस नेचुरल फॉर्म को समझ लिया, इसके आधार पर आचरण शुरू कर देगा, तो वो कॉपरेटिव को ना कभी इरेलीवेंट कह सकता है, ना कभी इरेलीवेंट बनने देगा। अगर कॉपरेटिव में जुड़े हुए वो हैं तो इरेलीवेंट बनने भी नहीं देंगे। तो इसको लेती हो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें इसको रिलीवेंट करना अगर है कॉपरेटिव को, जो आज के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कॉपरेटिव का ओनरशिप, इसके ओरिजिनल ओनर को लौटाना होगा। और ओरिजिनल ओनर है मेंबर, ना इसके ओनर है चेयरमैन, ना इसके ओनर है बोर्ड, वो भी उसी में से हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमें वो यात्रा करनी होगी। हमें ये जो कॉपरेशन में या कॉपरेटिव में चालाकी आ गई है, ये आ गया है कि उसको डाउन करो, इसको उठाओ, उसको बंद मारो, इस सब से निकलकर हमें कहाँ जाना होगा, भोलेपन की तरफ जाना होगा। भोलापन मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ी, मतलब मेंबर्स के बीच में, जो मैनेजमेंट है उनके बीच में ये आना होगा, ट्रांसपेरेंसी जिसे हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी आना होगा। वो हुआ भोलापन। हमें जो ये प्रकृति पैदा हुई थी, जब हम शुरुआत किया था, जो मैं, मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा है, जितना अनुभव है, लोग हृदय से जीते थे पहले। आज भी अगर आप चले जाइए सुदूर देहात में, जहाँ बहुत ज़्यादा ये अर्बन जो कॉम्प्लिकेशंस या करप्शन है दिमाग में नहीं घुसे हैं, तो वहाँ अभी भी लोग हृदय से जीते हैं। अभी भी गजब का अपनापन है, अजब गजब का भोलापन है। जैसे जैसे उन्नति हुई, प्रोग्रेस हुआ, हम हृदय से कहाँ चले गए काम करने के तरीके में, दिमाग की तरफ आते गए, जिसे मैं कहता हूँ कि भोलापन नहीं, ये हो गया चालूपन। अगर सहकारिता को रिलेवेंट बनाना है, हमें ये यात्रा रिवर्स करना होगा। कम से कम कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में, विद इन मेंबर एंड मेंबर एंड मैनेजमेंट के बीच में, ये यात्रा को रिवर्स करते हुए दिमाग से हृदय की तरफ की जो फंक्शनल यात्रा है वो शुरुआत करनी होगी। ये शुरुआत हो जाएगी, कॉपरेटिव तो रिलेवेंट था ही, रहेगा ही, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। दादा सूट से विथ ऑल फर्मनेस, जितना मैंने जीवन अनुभव किया है, कॉपरेटिव का कोई विकल्प ही नहीं है। तो अगर ये कॉपरेशन मरेगा तो व्यवस्था या समस्याएं बढ़ेंगी और समाज भी मरता चला जाएगा। लंच का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतने साथ कहूँगा कि रिलेवेंट करने के लिए मस्तिष्क से हृदय की तरफ यात्रा करवानी होगी, और इसके लिए हमें करना क्या होगा, जागरूकता अभियान चलाना होगा।
अवेयरनेस इज मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर. अगर हमें रिलीवेंट करना है कोऑपरेटिव को, तो हमें सहकारिता के मूलभूत सिद्धांतों की तरफ लोगों को आकर्षित करना होगा, जागरूकता अभियान चलाना होगा, बताना होगा लोगों को कि आप कॉपरेशन में तो जुड़े हैं लेकिन आप हर काम वो कर रहे हैं जो कॉपरेटिव को डैमेज कर रहा है. अगर कर रहा है तो, अगर जुड़े हैं तो मन से जुड़िए, हृदय से जुड़िए, दिमाग से मत जुड़िए. ये एक अवेयरनेस, और इस अवेयरनेस के साथ में हमें जो प्रोफेशनल्स की जो ज़रूरत है उसको लाना होगा. तो शिक्षा, ट्रेनिंग और जागरूकता अभियान, ये तीन मेन पिलर बनने होंगे कॉपरेटिव को अगर रिलीवेंट करना है. आई फुली एग्री, सपोर्ट तो हमें चाहिए, दोम ये इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और रादर कॉपरेटिव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसोर्स जो इसको काम करने के लिए, जब सरकार नहीं थी तब भी कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशन चलते थे, क्योंकि नहीं तो मानव मर गया होता, हम ख़त्म हो चुके होते. अगर मानव ने एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं किया होता, अगर प्रकृति ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया होता, तो आज हम जो इस IAC के इस हॉल में बैठ के डिबेट कर रहे हैं कॉपरेशन कैसे चलेगा, शायद हम रहते ही नहीं, ये व्यवस्था ही नहीं रहती. तो ये जो व्यवस्था है, जो सरकार से पहले की व्यवस्था, उसमें सरकार की कहाँ ज़रूरत है. हमें सरकार बन गई है तो फैसिलिटेट तो उनको करना ही होगा, लेकिन सरकार भी हमारा है, सरकार कौन सा हमसे अलग है. वी आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ अस. हम में से कोई भी जा सकते हैं सरकार में कल. तो ये तो जो अजीब तरह का एक बन गया है कि गवर्नमेंट, कॉरपोरेट, कॉपरेटिव, इट शुड नॉट बी सीन इन अ डिफरेंट स्पेस. इसमें भी एक हमें कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म डेवलप करवाना ही होगा. और हम ज़्यादा पावरफुल एज ए कॉपरेटिव, क्योंकि हमारे साथ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कि उनको ये कहें कि भाई आपका अस्तित्व तो हमसे है, हम नहीं तो आप नहीं, क्योंकि हम ही तो अब तंत्र हैं, तंत्र से ही तो बाकी मैनेजमेंट है, जब तंत्र नहीं तो मैनेजमेंट क्या. ये चीज़ों को हमें एक और हरबीर जी समअप आपने कहा करने के लिए, तो समअप में मैं अब सारे स्पीकर के बातों का समअप अगर करूँगा तो आई थिंक दैट विल टेक मोर देन 1 आवर. और मैंने पहले ही कहा कि अक्षरशः जिन्होंने जो कुछ भी कहा है वो हम सारा का सारा यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं सीरीज वाइज. बाकी भी आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो मिल जाएगा. और जो मैंने कहा यात्रा किससे किस की तरफ, मस्तिष्क से हृदय की तरफ, तो हम साथ ही ये भी कर रहे हैं कि रूरल वॉइस और सहकार भारती, आज तो ये दो जुड़े हैं अलॉन्ग विथ नायक नवरे जी, आई वुड लाइक टू थैंक हिम. मैंने एक फ़ोन किया 2 मिनट के, नवरे साहब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, एंड ही डिडंट ब्लिंकर हिज आई फॉर ए मोमेंट, ही सपोर्टेड इट. सो आई एम थैंकफुल टू हिम. वी आर सिटिंग असेंबलिंग इन दिस हॉल एंड ही इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर दैट. राम इकबाल जी हैं, उनका भी ऐसा अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है, जो करना है कर लीजिए, बिल्कुल साथ हैं. मैं चाहता हूँ या हम सब ये चाहेंगे कि जितने सहकारिता के पुजारी हैं, जितने सहकारिता सिद्धांत के उपासक हैं, हम सब को जो मैंने कहा हमें डिफरेंस, ये जो एक तो बना हुआ है चैम्बर्स, सरकार, कॉरपोरेट और कॉपरेटिव, इसको डिसमेंटल करने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा. और ये जो रूरल वॉइस, सहकार भारती सपोर्टेड बाय कॉपरेटिव, आई मीन नेशनल शुगर कॉपरेटिव फेडरेशन, नैकॉफ, इस प्लेटफॉर्म को हम चाहते हैं, और हमारी ये दिली इच्छा है कि इसको अगर डिसमेंटल करना है इस चीज़ों को, और कॉपरेटिव को रिलेवेंट करना है, तो हमारी वॉइस, आवाज़ और चॉइस, ये दोनों बुलंद होनी होगी. और ये बुलंदी के लिए हमें एकजुट होना होगा. तो ये जो यात्रा हमने शुरुआत की है सहकार संवाद की, हम चाहेंगे कि ये रेगुलर चलता रहे. कम्युनिकेशन की बैरियर टूटेगी तो आगे के भी बैरियर ख़त्म होते चले जाएंगे. तो यही सपोर्ट एनहांस लेवल पे, और इसको, इस चीज़ को गुंजाइए, इसको और आवाज़ दीजिए, इको कीजिए. ये तो हमने एक छोटा सा पेबल फेंका, आज का जो बिगनिंग है हमारा, ये हमने एक छोटा सा पत्थर फेंका है, एक पहला करंट आया है. इसका अंत करंट इतना मजबूत हो जाए कि सारे के सारे हमारे इस रिलीवेंस को समझें कि बिना सहकारिता
हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सहकारिता ही एग्जिस्टेंस का एकमात्र सॉल्यूशन है और ये दुनिया को मानवाना होगा कि बगैर कोऑपरेशन के एग्जिस्टेंस की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जब एग्जिस्टेंस की कल्पना नहीं कर सकते तो रिलीवेंट तो ऑटोमेटिक हो गया। एंड इस हमारे मेडन एफर्ट को जो हमने आज प्रयास किया है कि एक मंच प्रदान करें सहकार संवाद का, इसके लिए भी आप सबसे आग्रह होगा कि अपना पूर्ण सहयोग जो भी आपके पास में है, एक हमें एक आहुति देनी होगी, एक हमें नए क्रांति की तरफ जाना होगा जिसको आप कह लीजिए सप्तरंगी सहकार क्रांति या जो भी कह लीजिए, जहाँ इसके पिलर होंगे अवेयरनेस, नॉलेज डिसेमिनेशन, एकत्रीकरण, अपने वॉइस को ऊपर बढ़ाना, हम इकट्ठे चलें और चेन बनाए इसका, और सहकारिता को, सहकारिता के जो असली ओनर है मेंबर, उसको लौटा दे। अभी हाईजैक हो चुका है, कॉपरेशन हैज़ बीन हाईजैक्ड। हमें इन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सहकारिता को मुक्त करवाना होगा और इसको असली मालिक के पास में पहुंचा देना होगा। आज का ये प्रयास उसी के दिशा में एक प्रयास है, क्योंकि विचार ही परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम होता है। पहला अगर ट्रांसफॉर्मेशन का या किसी भी आंदोलन का पहला जो स्टेप होता है वो है विचार। तो ये विचार परिवर्तन के लिए ये मंच है सहकार संवाद का, जिसका शुरुआत हो रहा है। आगे हम इसको और मजबूत करेंगे। 2:15 तक टाइम आपने लिया था ना, वी स्टिल हैव 10 मिनट, एटलीस्ट वी कैन बिगिन आवर लंच। अब आप धन्यवाद। थैंक यू सो मच ठाकुर जी, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स अ लॉट पैनलिस्ट कि आप यहाँ पर आए, और आप सभी का बेहद शुक्रिया कि आपने सभी ने यहाँ पर आकर इस पूरे सम्मेलन का बहुत अच्छे से इसके साथ आप जुड़े हैं। और दिस इज़ व्हाट वी कॉल, इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ नीड एंड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज। और अब मैं हरवीर जी को बुलाना चाहूँगी। थैंक यू सर, प्लीज़ आइए, और अ वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल आर पैनलिस्ट फ्रॉम हरवीर जी। सागरिका, मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करूंगा। आप सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे आग्रह पर रूरल वॉइस और सहकार भारती का जो आपके लिए एक निमंत्रण था, आप सब यहाँ पर आए और एक गंभीर चर्चा जो शुरू हुई है जिसमें ये तीसरे सत्र का समापन हुआ है, तब तक आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। जितने लोग आए हैं हमारे दूर दराज से, जैसा मैंने जिक्र भी किया था, किसान हमारे आए हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं हम कह सकते, वेस्टर्न यूपी से तमाम सारे एक्सपर्ट हैं, वो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से भी आए, इरमा से विश्वास साहब चल के आए, सुबह जैन थे, और तमाम सारे जितने हमने रिक्वेस्ट किया जो हमारे एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट थे, सबने समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित इस सभागार में सभी लोगों ने इसके लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ में जैसे ठाकुर साहब ने कहा, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने हम लोगों को सपोर्ट किया, नैकॉफ, ये सब दोनों संगठन जो है हमारे परिवार की तरह से हैं, और 25 साल से मेरा जुड़ाव फेडरेशन के साथ भी है और नैकॉफ के साथ भी लंबा है, और वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। साथ में ये भी है कि जो हमारी टीम है जो ब्रदर एंटरटेनमेंट की, सुबह से हम चारों तरफ जो देख रहे हैं हमारे सहयोगियों को, जो भी व्यवस्थागत चीज़ें हैं उसको संभाल रहे हैं, हमारे कैमरामैन जो हैं मैथी दिलीप, और हमारी अपनी टीम रूरल वॉइस की एक छोटी सी टीम है जिसमें एस के सिंह हैं, चेतनानंद हैं, जेपी सिंह हैं, और एक छोटा सा हम लोगों का एक समूह है जो रूरल वॉइस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तभी संभव है जब आप सब लोगों का सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। मैं फिर से एक बार आप सभी का शुक्रिया करूंगा यहाँ आने के लिए और समय देने के लिए। आप सब लोग भोजन पर आमंत्रित हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे पहले एक मोमेंटम जो है उनको भेंट करेंगे, शुक्रिया आप सब। और हमारे साथ ये 1 बिलियन ट्री से जो बिशन साहब हैं, उन्होंने ये जो हमारा मोमेंटो है वो कैसे लोगों के बीच में रूरल वॉइस बना रहे वो याद रखें, उसका उन्होंने व्यवस्था की, धन्यवाद आपका।
Thank you so much, everyone, and request you to please proceed for the lunch. Thank you so much. Thanks a lot for coming. और उदय जोशी जी को भी एक वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम हरवीर जी.